तो दोस्तों ये है टॉगस कंपनी का कीबोर्ड जो अभी मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया था। तो जल्दी से इसको क्विक अनबॉक्सिंग करते हैं। तो मैं इसके रैप को पहले हटा देता हूँ। दोस्तों ये है टारगस कंपनी का वायरलेस कीबोर्ड। आप इसका मॉडल नंबर देख सकते हैं KB55। मल्टीप्लेटफॉर्म ब्लूटूथ कीबोर्ड है। एक्चुअली ये जो है ये आपके मैक ओएस विंडोज सभी के लिए सपोर्टेड है, बट इसके जो डेडिकेटेडली की है वो सेम मैकबुक के कीबोर्ड से को मतलब ध्यान में रख के बनाया गया है। तो मैंने इसलिए ये ऑर्डर किया क्योंकि उसके की पोजीशन जो विंडो कीबोर्ड के अंदर आता है वो थोड़ा अलग होता है और मैक के अंदर जो आता है वो बिल्कुल सेम है। तो इसलिए आप एज ए मैक कीबोर्ड ही से कंसीडर करिए। हालांकि ये वर्क तो करेगा, आप विंडो में भी लगाएंगे तब भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। तो इसको जल्दी से एक बार ओपन करते हैं, देखते हैं और क्या है इसमें। एक सेकेंड मैं इसे ओपन कर दूँ। हमें कुछ यूज़र गाइड मिल जाते हैं, आप इसे चेक कर सकते हैं। इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह दे रखा हो, अगर आप वो समझना चाहे, कुछ पढ़ना चाहे तो वो पढ़ सकते हैं। इसके अलावा और इसमें कुछ है नहीं। एक ये प्रॉपर रैप किया हुआ आप देख पाएंगे, ये कीबोर्ड है। और इसके साथ ये डबल बैटरी देते हैं ये लोग। तो मैं इसे निकाल लेता हूँ। मैं बैटरी को अनरैप कर लेता हूँ पहले। और कीबोर्ड को बाहर निकाल के ये डब्बे को रख देता हूँ अभी साइड में। तो दोस्तों ये है कीबोर्ड। अगर इस कीबोर्ड के फिजिकल ओवरव्यू की बात करें तो आप साइड से स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं साइड एक्चुअली काफ़ी स्लिम है, तीनों डायरेक्शन से स्लिम है, इसमें कोई इशू नहीं है। कीज़ वगैरह भी अच्छे हैं, बट अगर पीछे से देखें तो एक ये थिक वो है जो एक स्लाइंट और एक एंगल प्रोवाइड करता है कीबोर्ड को, जिससे आपके एक अलग टाइपिंग एक्सपीरियंस मिलेगा। यहाँ ऑन और ऑफ का बटन है और ये कि कनेक्टेड का ऑप्शन है जिससे ब्लूटूथ को पेयरिंग मोड में मतलब लाने में काम आएगा। और उसके बाद कुछ ये रबर के चार ग्रिप है जो टेबल पर इसको कहीं भी फिसलने से रोकता है। उसके बाद ये है बैटरी कंपार्टमेंट। तो चलिए इसमें बैटरी भी लगा ही देते हैं। तो मैं इसमें अगर देखा जाए तो ट्रिपल ए की बैटरी आती है, जो दो ट्रिपल ए की बैटरी लगेगी। ये मैंने इसमें बैटरी डाल दिया है और अगर मैं इसे ऑन करता हूँ तो ये यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि ये पावर हो गया था। ये एक्चुअली बैटरी इंडिकेटर है, तो जब भी इसमें अगर बैटरी लो आएगा तो ये इंडिकेट करेगा और उससे आपको पता लग जाएगा कि इसके अंदर बैटरी जो है वो डिस्चार्ज हो गया है, मतलब जो सेल है वो डिस्चार्ज हो गया है। तो यही है कुल मिला के पैकेज। बाकी इसको चलिए एक बार कनेक्ट करता हूँ अपने मैकबुक एयर के साथ, उसके बाद देखते हैं कैसा है इसका परफॉर्मेंस। तो ये मैंने अपने मैकबुक एयर को ओपन कर लिया है और अब उसके आप तो दोस्तों ये मैंने अपने मैकबुक एयर को कनेक्ट कर लिया है और आप इसके स्क्रीन को देख पा रहे होंगे। मैं इसका ब्लूटूथ ऑन कर देता हूँ। इसका ब्लूटूथ ऑन ही है, ब्लूटूथ प्रेफरेंस में जा कर के, और ये सर्च पे है अभी। तो मैं यहाँ से हाँ, तो जैसे इस बटन को आप प्रेस करके रखेंगे, यहाँ आप इंडिकेटर में देख पा रहे होंगे ये जो रेड लाइट है ये ब्लिंक होने लगा है, इसका मतलब ये पेयरिंग मोड पे चला गया है। और
यहाँ आप देख पाएंगे ये कीबोर्ड जो है, ये कीबोर्ड मतलब मैकबुक एयर में डिटेक्ट हो गया। अब मैं इसे कनेक्ट कर लेता हूँ और हाँ, ये बहुत सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया है। इसे जस्ट कंटिन्यू कर दिया, देन क्लोज। उसके बाद मैं नोट्स ओपन कर लेता हूँ और चेक कर लेते हैं। मैं न्यू नोट लेता हूँ, तो आप सारे कीज़ को देख पाएंगे गाइस। मैं कुछ भी टाइप कर रहा हूँ ताकि इसके सारे कीज़ को चेक कर सकूँ मैं। तो ये सारे की प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, तो इसमें कहीं भी कोई भी इशू नहीं आ रहा है। मतलब अगर मैं जैसे मैं वी प्रेस करे जा रहा हूँ अभी, तो आप इसमें मैं चेक कर पा रहा हूँ कि सारे कीज़ प्रॉपर वर्क कर रहे हैं। तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी लैग नहीं है, ऐसा नहीं है कि ऐसा कुछ भी ऐसा लगे कि हाँ ये प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, ये मैंने कुछ 1300 का परचेज किया अमेजोन से, तो इतने में एक ये बेस्ट चॉइस हो सकता है। हालांकि कुछ इसके डिसएडवांटेज हैं, जैसे इसके जो कीज़ हैं वो थोड़ा सा नॉइजी हैं। अगर मतलब आप प्रॉपर कुछ टाइप कर रहे हैं तो थोड़ा सा साउंड करता है। हाँ, अगर आप कुछ ऐसे एरिया में हैं जहाँ पे साउंड को लेकर कुछ रिस्ट्रिक्टेड हैं, कुछ ऐसे ऑफिस में हैं, तो हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम हो आपको। अदरवाइज वैसे टाइपिंग एक्सपीरियंस इसका कोई इशू नहीं है, सारे कीज़ वगैरह प्रॉपर वर्क कर रहे हैं। अगर आपके इसके प्रॉपर डायमेंशंस की बात करें तो हाँ, इसका साइज़ उतना ही है जितना मैकबुक एयर का जो कीबोर्ड आता है, तो वो फुल साइज़ कीबोर्ड है ये, इसमें कोई भी इशू नहीं है। तो ब्लूटूथ है, वायरलेस है, तो एक अच्छा डील है। तो इतना ही है। एक ये मैंने लास्ट वीडियो मैंने बनाया था, उसमें ये लॉजिटेक का M350 माउस को लेकर के मैंने कुछ स्पेसिफिकेशंस और डिटेल्स जैसे कहते हैं। ये एक अच्छा माउस है, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो मैं ऊपर डिस्क्रिप्शंस में आई बटन में इसका लिंक दे दूंगा, या फिर डिस्क्रिप्शंस में भी लिंक होगा, तो आप वहां से जा करके आप देख सकते हैं। दोस्तों, यही है कुल पैकेज। अगर आपके मन में कुछ इस कीबोर्ड को लेकर या इस माउस को लेकर के अगर कोई भी विचार है, या फिर कुछ आप पूछना चाहते हैं, आपके कुछ डाउट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके आप मैसेज कर दीजिए, कमेंट कर लीजिए, मैं उसका आंसर दे दूंगा। तो कुल मिला के इतना ही है, एक अच्छा चॉइस है। आप देख लीजिए, अगर आपको सूट करता है तो आप ले सकते हैं। अगर मेरी ओपिनियन की बात करेंगे तो एक अच्छा कीबोर्ड है, अंडर 1300 एक बेस्ट चॉइस हो सकता है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। आप अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए, ऐसे कोविड बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुआ पड़ा है। तब तक के लिए।